तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, छोटी छोटी दीवार बनानी हो या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, हर बिल्डिंग बनाने के लिए दीवारों का सीधा होना जरूरी होता है। दोस्तों, सीधी दीवार बनाने के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, इसको सोल कहते हैं और इसको प्लम्ब भी कहते हैं। इसको कैसे डालना है, कैसे इसके द्वारा हमें अपनी दीवार सीधी बनानी है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू। तो दोस्तों, हर किसी को तरीका नहीं होता है सॉल डालने का, तो वो क्या करते हैं, सॉल गलत तरीके से डालते हैं जिससे कि दीवार टेढ़ी बन जाती है और फिर प्लास्टर होने के बाद भी दीवार सीधी नहीं हो पाती, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और काम गलत हो जाता है। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दीवार पहले लग चुकी है, मैं इसी में आपको डाल के दिखाऊँगा किस तरीके से सॉल डालना है और कहाँ डालना है, यही बताऊँगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब सॉल डालते हैं तो वो यहाँ से बीच में से डाल देते हैं या नीचे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा सॉल जो डालना है ऊपर वाली किनारी लेनी है इसकी, जो ईंट की किनार होती है, वहाँ से हमने इसको सॉल को पकड़ना है, जो हमारा ये कैंडा होता है इसको, और हमने जो नीचे वाली जो हमारी दीवार होती है, जो पहली ईंट होती है, तो उसको भी हम यहीं से ही, यानी कि नीचे वाली जो ईंट है उसकी भी किनार होनी चाहिए ऊपर की, और यहाँ भी जैसे ऊपर वाली होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ से लगाना है ऐसे करके, और देख सकते हैं आपकी इस जगह जो ईंट आप देख रहे हैं, इस ईंट की किनार पे हमारा सॉल है, और ऐसे ही आप ऊपर भी देखें कि जहाँ कैंडा लगा हुआ है, हमने यहीं से डालना है, ऐसा नहीं करना हमने यहाँ से नहीं डालनी है, यहाँ से नहीं डालना है, यहाँ से डालना है हमेशा इसी तरीके से। और दूसरा ये है, जब भी हम दीवार लगाएं तो जो हमारी पहली ईंट होती है नीचे वाली, उसी से ही हमने पूरी ईंटों में सॉल डालना होता है, जितने हम रद्दे लगाते जाते हैं उतना ही हमने सॉल नीचे से ही लेना होता है पहली ईंट से। अगर हम हर बार में अगर अलग अलग ईंटों सॉल डालते चले जाएंगे, जो हमारा लट्टू है ये, अगर हर बार में हम यहाँ से लेते चले जाएंगे ऐसे करके, तो फिर ये गलत हो जाएगा, दीवार जो है टेढ़ी हो जाती है। एक बात मैं और आपको बताऊँ, जब भी आप सॉल खरीदें या आप सॉल डालें, तो आपने जो है इसके कैंडे देख लेने हैं, दोनों बराबर देख लेने हैं कि आपके जो ये जो हमारे होते हैं कैंडे जो सिरे होते हैं, तो एकदम सीध में होने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए, तभी आप उसको डालें इस तरीके से। वरना क्या होगा, आपने जो कैंडा होता है, कभी किसी सॉल का छोटा बड़ा होता है, जैसे आला छोटा होता है आला बड़ा होता है, तो आपने अगर अलग अलग उससे डाल दिया, कभी छोटे से कभी बड़े से, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर जो है डाब की दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप नया सॉल लें तो उसको पहले चेक कर लें कि आपका कैंडा सही हो, और जब भी आप सॉल डालें किसी और का लेके, तब भी आप इसको चेक कर लें कि आपके दोनों कैंडे सही होने चाहिए सीधे, तो उसी से ही आप डालें इस तरीके से। तो हम आपको दिखाते हैं सॉल डालकर वहाँ पर, जैसे कि वहाँ चुनाई कर रहे हैं, तो वहाँ डाल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से सॉल डाला जाता है। तो चलिए देखिए, इस तरीके से सॉल डालना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर की किनारी जो होती है ईंट की, उस जगह कैंडा लगाया हुआ है यहाँ पर, और हमने आप देख सकते हैं जो हमारा लट्टू है, वो पहली वाली ईंट जो होती है हमारी नीचे वाली, उसके वहाँ पर हमने लगाया, वो भी किनार पर देख सकते हैं आप, ईंट की किनार जो है ऊपर वाली किनार वहाँ पर लगाया हुआ है, और इसके बीच में जगह कितनी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए लगभग जिससे कि हवा आपकी पास हो जाए, यानी कि कम से कम जो है इतना हो कि वो हिलता रहे, और चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर ऐसा आप सॉल डालते हैं तो आपका सॉल एकदम सही आएगा। अगर आप इस तरीके से सॉल डालते हैं तो आपकी दीवार एकदम सीधी बनेगी, और इस तरीके से ही हमें सॉल डालना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ों का, कि एक तो हमने किनारी से लेना है हर ईंट की, और दूसरा ये है कि जो हमने चिनाई लगाई है स्टार्टिंग से, तो उसी ईंट को हमने लेके चलना है ऊपर तक इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सॉल डाल लेंगे, और इस बात का आपने ध्यान रखना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप सॉल किसी नए इंसान का या नया सॉल पकड़ें, तो उसको भी चेक कर लें पहले आप, कि वो उसके दोनों जो होते हैं दोनों किनारे वो सही होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और आप अगर नए लें तब भी उसको चेक कर लें एक बार, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने पिलर पे यह डालना है सॉल, तो उसको भी आपने, हमने जब कॉलम में डालना होता है तब भी इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉलम तो हमारा भरा हुआ है, रेडी है, हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, और देख सकते हैं आप कि हमारा इतना कॉलम दूर होना चाहिए इससे दीवार से, ताकि हवा जो है पास होती रहे, इतना होना चाहिए।
देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉलम जो है टेढ़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। तो इतना रखेंगे तो आपका कॉलम में भी एकदम सही आने वाला है। तो दोस्तों ये तरीका था सॉल्ट डालने का, किस तरीके डालना चाहिए, प्लम्बम इसको बोला जाता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।